जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, यही तो है हमारे बाबा की निशानी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि अमरनाथ की यात्रा 2022 में शुरू होने वाली है और श्रद्धालु के अंदर बहुत ही उत्साह है और अपने अपने शहर में जाके वो लोग परमिट निकाल रहे हैं और बहुत ही उत्साहित है बाबा के दर्शन के लिए। तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले जान लें कि हम यात्रा पर क्या लेकर जाएं जिससे हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, और जान लें हम यात्रा के दौरान क्या करें और क्या नहीं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो जाने से पहले ये कुछ खास तैयारियां अवश्य कर लें जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले बात आती है मौसम की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जाने के दो ट्रैक हैं, एक है वाया बालटाल और दूसरा है पहलगाम। पहलगाम की जो यात्रा है वो है 35 किलोमीटर की और जो बालटाल की यात्रा है वो है 14 किलोमीटर की एक तरफा। मौसम इतना सुहावना होता है, कई बार तो बारिश भी हो जाती है। और पीक पर जाके हम बात करें कि अगर हम जाते हैं पहलगाम से तो पहले आता है पिसू टॉप, पिसू टॉप के बाद फिर आता है शेषनाग, शेषनाग के बाद फिर आपका आता है गणेश टॉप, फिर आपका आता है पंचतरणी, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर बाद आती है गुफा। सो इन पड़ाव के बीच में मौसम कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता रहता और कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश होने के साथ साथ हमको लोग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रास्ते पक्के नहीं है, रास्ते कच्चे हैं और रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, आप अपने साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े रखें क्योंकि तापमान एकदम से 5 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। यात्रा मार्ग जैसे कि मौसम में कभी भी गड़बड़ हो सकती है और आपका जो चलने का लहजा है और चलने की जो स्पीड है उसको बिगाड़ सकता है। सो अपने साथ हमेशा छाता, विंड शीटर, रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते जो कि बहुत ही जरूरी हैं, इन सबको आप साथ लेके चलें ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता गुफा की ओर अग्रसर हो सके। दूसरा, हमारे पास बैग में क्या रहता है, हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा मोबाइल है या फिर हमारा चार्जर है या फिर हमारा पावर बैंक है या फिर अन्य चीजें जैसे दवाइयाँ या कुछ खाने पीने का सामान लाइक बिस्कुट, नमकीन, ये सब हमें रखना है वाटरप्रूफ बैग के अंदर। और हो सके तो कैरी करें एक आधा एक्स्ट्रा पॉलीथिन जिसको आप वहां बिल्कुल ना गिरे, पर्यावरण का ख्याल रखें और अपने सब चीजें संभाल कर रखें ताकि वो बिल्कुल भी भीगने ना पाए। इन केस ऑफ एमरजेंसी क्या करें, एक यात्री अगर बाबा के दर्शन की ओर जा रहा है और उसको किसी भी केस में एमरजेंसी फील होती है तो कोई भी जब उस तक कांटेक्ट करता है तो वो कैसे पहुंचे। सो उसको अपनी जेब के अंदर एक पर्ची लेनी है या यात्रा पर्ची लेनी है जिसके अंदर उसकी डिटेल, उसका फोन नंबर, उसको कहाँ से आया, वो सब वहां पे मेंशन होना चाहिए ताकि यात्रा के दौरान कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो कि किसी अवस्था में पड़ा हुआ है जिसको कोई सुध नहीं है तो उस केस में हम उसकी पर्ची को निकाल के जो भी श्रद्धालुगण होगा या फिर जो भी कमिटी के मेंबर होंगे वो उन तक पहुंच सकते हैं। सो हमेशा अपनी पॉकेट में ऐसे पर्सन का नंबर रखें जो आपके साथ उस यात्रा में है ताकि इस स्थिति में वो आप तक पहुंच सके। यात्रा पर्ची के साथ साथ अपना जो आधार कार्ड है या फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आपका फोन नंबर या फिर आपका एड्रेस सब कुछ मेंशन हो ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी वहां तक पहुंचा जा सके। सो अपना आईडी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम ग्रुप में हैं या फिर हमारे साथ कोई एक या दो लोग हैं या फिर अकेले भी हैं तो आप ट्राई करें कि आप ग्रुप में चलें। ये मैटर नहीं करता कि वो ग्रुप हमारा है या ग्रुप किसी और का है, सब भोले बाबा के भक्त हैं, सब लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर कोई सोलो ट्रिप भी कर रहा है, कोई सोलो भी जा रहा है, कोई अकेला व्यक्ति भी जा रहा है दर्शन के लिए, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेक श्योर करें कि वो भी उनके साथ जाए जो बाकी लोग जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो सिक्योरिटी फील होती है इंसान को कि हाँ हम लोग के साथ दूसरे लोग भी हैं, और दूसरा अगर हम लोग कोई सामान के लिए पिट्ठू खैर करते हैं तो भी आप उनके साथ साथ चलें ताकि सामान गुम होने की आशंका ना बनी रहे। ग्रुप में कोई मेंबर है अगर वो नहीं मिल रहा, अगर वो लापता है, सो बिना देर किए तुरंत नियर चेक पोस्ट पर जाके उसकी सूचना दे ताकि वो अनाउंसमेंट कर सके उस यात्रा के ट्रैक पर कि ये व्यक्ति लापता हो गया है। सो जिस किसी व्यक्ति को, श्रद्धालु को इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है उसकी सूचना दे ताकि उसको हम लोग रिलोकेट कर सकें। सो ये चीज भी हमने ध्यान में देनी है क्योंकि यात्रा में सिर्फ हम लोग नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे बाबा के भक्त हैं। हमें सिर्फ अपना ही नहीं देखना, हमें सबका देखना है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। हम लोग एक दूसरे का साथ बन के चलेंगे जिससे कि हमारी मोटिवेशन और एनर्जी बनी रहेगी। शांति से यात्रा करें और अपने साथी यात्रियों की यात्रा करने में भी मदद करें, ये बहुत जरूरी है। यात्रा प्रबंधन की ओर से समय समय पर दिए गए निर्देश, चाहे वो बारिश को लेके हो, चाहे वो किसी इमरजेंसी को लेके हो, उसको फॉलो करें
उसका उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। जल हो, वायु हो, अग्नि हो और आकाश हो, ये सब जो है भगवान शिव के ही अंश है, से लिहाजा ऐसा कोई काम ना करे जिससे यात्रा क्षेत्र में किसी तरह का प्रदूषण फैले। अक्सर देखा गया है कि जो लोग हैं अपने पानी की बोतल जो कि प्लास्टिक्स की होती हैं वो लोग वहीं गिर देते हैं, पॉपकॉर्न्स हैं या फिर लेज हैं उनके रैपर्स हैं ये सब वहां पे गिर देते हैं, कागज गिर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखें। और हाँ, जहां पे प्रॉपर वॉशरूम बने हो उनका ही प्रयोग करें, ओपन में ग्राउंड फील्ड का यूज बिल्कुल भी ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें क्योंकि ये आस्था का विषय है, आस्था का प्रतीक है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ में क्या क्या रखें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यात्रा कठिन है, दुर्गम है, सो हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए पानी। पानी तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि कम से कम हमें 5 लीटर पानी पीना है ताकि बॉडी जो हमारी है डिहाइड्रेशन से बच सके। सो पानी आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। साथ में समय समय पर आपने रोस्टेड चने खाने हैं, जिसको हम भुने हुए चने कहते हैं, ये एक हाई प्रोटीन डाइट है जिसको खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, रात के समय वहां पे लाइट नहीं होती, हम लोग टेंट में कुछ ढूंढना है, कुछ कपड़े निकालने हैं, कुछ चीज लोकेट करनी है, तो टॉर्च बहुत काम आएगी। और अगर हम यात्रा में कहीं फंस रहे हैं, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तब भी टॉर्च हमारे बहुत काम आएगी, क्योंकि रास्ते दुर्गम है, रास्ते कच्चे हैं और कई जगह तो जो बरसात होती है तो कीचड़ भी हो जाता है, तो ये टॉर्च आपका बहुत साथ देने लगी। दूसरा, अगर धूप पड़ती है वहां पे तो सनस्क्रीन चाहिए ताकि सनबर्न ना हो, उससे बचने की सनस्क्रीन चाहिए। और अगर हाथ खुश्क होते हैं एट द टाइम ऑफ विंटर, जब जाते हैं ऊपर टॉप पे गुफा के पास, तो वैसलिन चाहिए हमारे को ताकि हमारे हाथ ड्राई ना हो सके, उसमें मॉइस्चर बना रहे। और एलमंड्स हैं, ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट्स हैं, ये सब आपकी हाई एनर्जी डाइट है जो कि इंस्टेंट लेवल पर एनर्जी बूस्टअप कर देती हैं। तो ये सब चीजें हमें जो अपने साथ रखनी है यात्रा के दौरान, जो कि बहुत साथ देने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा, इसको तो आप लेके ही चलिएगा। इसके बाद यात्रा की बात करें तो कंफर्ट लेवल की बात है, वो है फ्लीट शूज, और वो साथ में क्या है, ट्रैक सूट। बहुत से क्या करते हैं यात्री, ट्राई करते हैं कि पैंट शर्ट में आते हैं या फिर वो जीन्स में आते हैं, शर्ट पैंट के अंदर की होती है, सो नथिंग एज सच, सब लोग यात्रा के लिए ही आए हैं, आपको जो कंफर्ट लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। आप लोअर पहनिए, आप ट्रैक सूट पहनिए, आप सूट पहनिए, बट हाँ, फीमेल के लिए कहना चाहूंगा साड़ी तो बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि यात्रा आरामदायक बने, सो कपड़े हल्के पहनिए लेकिन गर्म पहनिए, वो पहनिए जो कि आप इजीली चल सकें और चढ़ाई चढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोले शंकर।